सो गाइस आप लोग भी कुछ इस टाइप से आप लोग अपने इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं गाइस, आप लोग फेस स्मूथ एंड बैकग्राउंड को चेंज, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा गाइस, एंड यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड भी रहूँगा तो सबसे पहले आप तक तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फॉल गाइस सिंपल से आप लोग ओरिजिनल फोटो को कुछ इस टाइप से ना आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके एंड आप लोग अपने फोटो को कुछ इस टाइप से पिक्सट ऐप में शेयर कर लीजिएगा। एंड गाइस पिक्सट ऐप में आ जाने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज कुछ इस टाइप से करके एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा गाइस कुछ इस टाइप से डिक्रीज कर लीजिएगा। एंड गाइस आप लोग ना सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। एंड गाइस डिक्रीज कर देने के बाद सिंपल से आप लोग शैडो वाले ऑप्शन पे आएगा, शैडो कुछ इस टाइप से थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करके सिंपल से इरेजर वाले ऑप्शन पे एक बार आ जाइएगा एंड यहाँ से इन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग साइज को थोड़ा सा माइनस एंड हार्डनेस को थोड़ा सा प्लस करके कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फेस के ऊपर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ करके एंड गाइस आप लोग ना सिंपल से आप लोग फेस एंड हैंड पे आप लोग अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो सिंपल से गाइस हम लोग भी फेस पे एंड हैंड पे ड्रॉ कर रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड गाइस सिंपल से इतना हो जाने के बाद ना आप लोग एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग एक बार राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपल से क्लिक कर देने के बाद अगेन राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस फिर से हम लोग आ जाएंगे यहाँ से ना टूल्स वाले ऑप्शन पे एंड गाइस हम लोग यहाँ से ना एआई इन हैंचर पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस एआई इन हैंचर पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा गाइस कुछ इस टाइप से, जो कि आप लोगों का जो फेस होगा गाइस कुछ इस टाइप से ना कुछ इस टाइप से आप लोगों को फेस गाइस बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ इस टाइप से थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। तो सिंपल से गाइस इतना हो जाने के बाद ना आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोगों का फेस जो है गाइस यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर में कन्वर्ट हो गया है। तो सिंपल से इसको आप लोग 100 करके एंड राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से आप लोग रिटच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके एंड गाइस आप लोग ना स्मूथ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से स्मूथ को सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आप लोग ऑटो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपल से ऑटो पे क्लिक कर देने के बाद ना आप लोग को वन क्लिक के अंदर आप लोगों का जो फेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोगों का फेस जो है कुछ इस टाइप से स्मूथ हो गया है। तो सिंपल से इसको 100 करके राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड गाइस सिंपल से ना फिर से हम लोग अगेन स्मूथ को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस सिंपल से हम लोग वही प्रोसेस कर लेंगे। एंड गाइस कुछ इस टाइप से इतना हो जाने के बाद ना सिंपल से फिर से इसको 100 आप लोग कर दीजिएगा। एंड गाइस 100 का देने के बाद सिंपल से आप लोग ना राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से ना आप लोग स्किन टोन वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। स्किन टोन वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से ना स्किन टोन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आप लोग व्हाइट कलर को कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करके आप लोग ऑटो हट्टे को ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड गाइस आप लोगों का जो फेस होगा वो कुछ इस टाइप से वाइट हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस आप लोग ना अगेन राइट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पर गाइस एक बार क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस आप लोग ना ए आई रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड गाइस ए आई रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना आप लोग सिंपल से यहाँ से ना कुछ इस टाइप से थोड़ा सा साइज को बड़ा करके एंड आप लोग अपने शर्ट टी शर्ट के ऊपर कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड गाइस ड्रॉ करने के बाद सिंपल से आप लोग रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोगों जो आप लोगों जैसा शर्ट या टी शर्ट रखने का मन हो ऐसा आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो गाइस हम लोग मैन हुडीज सर्च कर ले रहे हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप से मैन हुडीज हम लोग भी सर्च कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से सर्च कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से हम लोग जनरेटर इमेज पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सामने कुछ इस टाइप से इमेज गाइस कुछ इस टाइप से जनरेट होकर आ जाएगा।
तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग को भी इमेज जनरेट होकर आ गया है। तो सिंपल से आप लोगों को दो देखने को मिल जाएगा एंड शो मोर रिजल्ट वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर दीजिएगा एक बार और, तो आप लोगों को दो और देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग कुछ इस टाइप से आप लोग जो मन होगा कुछ इस टाइप से आप लोग उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से। तो सिंपल से हम लोग सबसे सो गाइस फोन नंबर को कुछ इस टाइप से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से फोन नंबर को सेलेक्ट कर लेने के बाद ना आप लोग सिंपल से यहां से एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग को इतना हो जाने के बाद ना आप लोग रिमूव बिजी वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस रिमूव बिजी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपल से आप लोग वन क्लिक के अंदर आप लोगों जो बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो, तो सिंपल से इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड हार्डनेस को थोड़ा सा माइनस प्लस कर लीजिएगा एंड साइज को थोड़ा सा माइनस एंड कुछ इस टाइप से इरेजर वाले ऑप्शन पे आ गए। जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होगा वहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी अरेंज कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से अरेंज करके सिंपल से एक बार राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोग एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना कुछ इस टाइप से आप लोग अच्छे तरीके से अरेंज करके राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगेन राइट वाले ऑप्शन पे गाइस क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना सिंपल से आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग को जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होगा वहाँ पे कुछ इस टाइप से रीस्टोर करके सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एंड गाइस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद ना सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग आ जाएगा इस कुछ इस टाइप से ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन में एंड गाइस आप लोग ना कुछ इस टाइप से ऐड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके एंड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोटो को अकाउंटिंग कुछ इस टाइप से एडजस्ट अच्छे तरीके से करके एंड लेयर वाले ऑप्शन पर कुछ इस टाइप से क्लिक करके एंड गाइस आप लोग ना कुछ इस टाइप से आप लोग एक इम्पैक्टी लेयर को क्रिएट करके एंड गाइस कुछ थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इसको मर्ज करके एंड गाइस आप लोग बैकग्राउंड को नीचे एंड फोटो को ऊपर कुछ इस टाइप से करके एंड गाइस सिंपल से आप लोग ना राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी क्लिक राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस आप लोग ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे कुछ इस टाइप से क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग कुछ इस टाइप से इस वाले बोके इफेक्ट PNG को एंड टेक्स्ट PNG को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी ऐड कर ले रहे हैं एंड आप लोग सिंपल से यहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप लोग अपने फोटो को अकॉर्डिंग को कुछ इस टाइप से आप लोग एडजस्ट करके यहाँ से ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आके इसको स्क्रीन करके आप लोग साइज को थोड़ा सा गाइस कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लीजिएगा एंड गाइस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ओपेसिटी को थोड़ा सा माइनस करके एंड इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आ गया होगा कुछ इस टाइप से आप लोग एरेंज कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग भी अरेंज कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से अरेंज करके सिंपल से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस सिंपल से एक और हम लोग का PNG है उसको भी ऐड करना है, तो सिंपल से हम लोग कुछ इस टाइप से ना इस वाले भी PNG को कुछ इस टाइप से हम लोग ऐड कर लेंगे सिंपल से एंड गाइस इसको भी हम लोग ब्लेंडिंग मोड को कुछ इस टाइप से चेंज कर लेंगे। सो गाइस इसको भी हम लोग कर लेंगे यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी स्क्रीन करके एंड गाइस साइज को ना कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे एंड गाइस आप लोग अपने फोटो के अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके एंड गाइस एक बार राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो सिंपल से आप गाइस कुछ इस टाइप से राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस इतना हो जाने के बाद ना आप लोग शेयर वाले ऑप्शन पे कुछ इस टाइप से क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस आप लोग फोटो को सेव कर लीजिएगा। इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।